ओम श्री परमात्मने नमः। पंद्रहवां अध्याय। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला आया। उस संसार वृक्ष को तीनों गुणों जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलों वाली देव मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़े भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में भी नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैरागी रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांत खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानीयन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, वो स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन प्रकृतिक में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। वायु गंध के स्थान से गंधों को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसी ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ये जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान में संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान
जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में भी वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। 15वां अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।